बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज अली है, आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माशाल्लाह पांडास की सीरीज का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये वीडियो नंबर 6 है पांडास सीरीज की। आज की वीडियो में हम दो डाटा फ्रेम्स को बना के उसको एड करेंगे, उसकी हम डाटा अलाइनमेंट्स करके चेक करेंगे कि किस तरीके से हम उसकी सीरीज वगैरह बना सकते हैं लॉक या आई लॉक के फंक्शन से। और हम दीगर स्टफ देखेंगे कि डाटा फ्रेम में से कोई हमें रॉस या कॉलम्स डिलीट करने हो वो किस तरीके से हो सकते हैं। हम किसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है उसमें कुछ नन वैल्यूज डालनी है, नल वैल्यूज डालनी है, वो कैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर एक डाटा फ्रेम है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज नल हैं तो उनको हम एक ही चुटकी में किस तरीके से सही कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे। सो दोस्तों चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता रहूं, अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइमली मिले। और मैं यार एक बात ये भी बता दूं, कमेंट्स में बहुत आता है कि सर ये क्या है, पांडास क्या है। दोस्तों हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, उसका ये पांडास की सीरीज चल रही है, उसका ये वीडियो नंबर 6 है, ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन में नीचे रोड मैप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लिंक मौजूद है और बहुत यूजफुल लिंक्स मौजूद है, Python, NumPy, Pandas and other, so you can check them out and ऊपर I button पे भी मौजूद हैं, so please check them out। चलें चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं Pandas की ये सारी चीजें। So दोस्तों हमने Jupyter notebook खोला, यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ import Pandas as PD, import NumPy as NP, तो हम इन दोनों से काम करेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ arithmetic and data alignment, ये मैंने comment डाल दिया as heading। अब मैंने यहाँ एक variable लिया df1, इसके अंदर मैं एक data frame बना रहा हूँ pd.dataframe, np a range 9, reshape 3x3 का होगा, ये सब प्रीवियस वीडियो का है। इसमें मैंने इंडेक्सेस दे दिए a b c, सेम टू सेम प्रीवियस वीडियोस का है। कॉलम्स में दे रहा हूं दोस्तों लिस्ट, इसकी ब्रैकेट्स b c d, ओके। कोई इसमें हमने नई चीज नहीं सीखी, सब प्रीवियस वीडियो का है, ओके। अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ df2, इसमें भी सेम टू सेम एक और डाटा फ्रेम इसी तरीके से बना रहा हूँ, उसको मैंने 16 डिजिट्स दे दिया, np a range 16 के 16 एलिमेंट्स का हो। रिशेप में 4x4 कर दिया, इंडेक्स अब दे रहा हूँ ए बी सी डी और कॉलम्स में दे रहा हूँ दोस्तों लिस्ट ही करके बी सी वाई जेड, ठीक हो गया। ये सारा काम प्रीवियस वीडियो का है, वही कर लिया हमने। अब मैं इसको डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से डिस्प्ले हो चुका है, ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ मैं df1 + df2 किया, अब मैं इसको डिस्प्ले करवा के df3 को दिखाता हूँ, सो लेट्स सी। तो देखें इसे कितने मजे से दोनों डाटा फ्रेम को मिला दिया है, ये पहला डाटा फ्रेम है, ये सेकंड डाटा फ्रेम है और ये इसने दोनों को मिला दिया। इसके अंदर देखें, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ क्योंकि बहुत सारी नन वैल्यूज भी आ रही हैं। क्या होता है देखें, जब डाटा फ्रेम तो ऐड हो रहे होते हैं दोस्तों तो उनके जो इंडेक्सेस होते हैं और कॉलम्स होते हैं ना, डाटा फ्रेम दोनों को टैली करता है। अगर दोनों सेम है तो उनकी वैल्यूज को प्लस करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, देखें कॉलम बी सी तो दोनों के अंदर मौजूद है तो और इंडेक्सेस सी तक है, ठीक हो गया। तो इनकी वैल्यूज को तो उसने एज इट इज देखें प्लस कर दिया, आप ये देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों डेटा फ्रेम जो 2 है ये वाला, इसमें वाई जेड कॉलम है लेकिन डेटा फ्रेम 1 में नहीं है, तो ये सारी नन वैल्यूज दे देगा इसको क्योंकि वो टैली नहीं कर पा रहा। तो ये इस तरीके से एडिशन होती है, वैल्यूज तभी ऐड होंगी जब दोनों के कॉलम्स और इंडेक्सेस सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा अब ये देखें, जो ये इसके अंदर यहाँ डी इंडेक्स है, ठीक है, ऊपर वाला डाटा फ्रेम 1 है, इसमें डी इंडेक्स नहीं है, तो आप यहाँ देखिए इसमें भी इसने नन वैल्यूज दे दी। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से काम करता है, होपफुली आप समझ गए, इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, यू विल गेट द आइडिया। चले अब हम जितना भी काम करेंगे इस डाटा फ्रेम 3 पर ही करेंगे, कोई और न्यू डाटा फ्रेम नहीं बनाएंगे फॉर सेविंग योर टाइम, क्योंकि अब आपने तो बहुत सारे डाटा फ्रेम्स बना लिए ना दोस्तों। अब मिसाल के तौर पर जो ये 0.0 लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं कोई नन वैल्यू डाल दूं, तो वो कैसे डालेंगे आइए मैं दिखाता हूँ। आपने लॉक का फंक्शन तो पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने यहाँ df3.log लिखा। अच्छा log के बाद जो हमें पहला आर्गुमेंट पास करना होता है दोस्तों वो करना होता है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स a कॉमा b, फिर उसके बाद हमें कॉलम पास करना होता है कॉमे के बाद, ठीक है। अगर हमें ज्यादा इंडेक्सेस पास करने हैं या कॉलम्स पास करने हैं तो वो हम एरर नोटेशन के अंदर करते हैं पास। और उसके बाद मैंने इक्वल टू np.nan लिख दिया। चले आइए इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं, यू कैन सी दैट दोस्तों यहाँ 0.0 है, यहाँ nan हो गया, ओके हो गया। तो इस तरीके से कितने बहुत ही सिंपली आपको डाटा फ्रेम के अंदर कहीं भी वैल्यूज वगैरह डालनी हो, आप लोकेशन के मेथड की तरह लॉक या आई लॉक जो भी है, लॉक से आप जो प्रॉपर इंडेक्स या कॉलम का नाम होता है उसके थ्रू जाते हैं, आई लॉक से आप जो भी उसका डिफॉल्ट मतलब 0123
कॉलम, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स, इस तरीके की चीजों को आप हैंडल करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इन द लॉग मेथड स्पेसिफाई रॉ लेबल देन स्पेसिफाई कॉलम नेम, इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। रिमेंबर मल्टीपल कॉलम्स रिक्वायर एरे नोटेशन, यही चीज मैंने जो बताई थी लिख दिया फॉर योर नोट्स, आप इसको बिल्कुल अपने पास जरूर लिखेगा। डिस्प्ले df3.log, अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, कुछ लॉग से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें मल्टीपल कॉलम्स के लिए मैंने bc दिया है इंडेक्स, ठीक है, कॉमा लगा दिया और यहाँ मैंने दे दिया dy, ये कॉलम्स भी मल्टीपल दे दिए, इंडेक्स भी मल्टीपल दे दिए, पहले इंडेक्स है फिर कॉलम्स है और कॉमा इनको सेपरेट करता है। सो यू कैन सी bc, ये रहा bc, इसका dy, जो dy ये, इस पर देखें नन वैल्यूज है, यहाँ भी सारी देखें नन वैल्यूज आ गई है, कितने प्यारे से मैंने पूरा एक टुकड़ा उठा लिया लोकेशन का, तो ये इस तरीके से काम करता है। चले हम आगे चलते हैं, इसको मैंने कर दिया bc, तो ये देखें इसने यहाँ से b की और c की वैल्यू उठा ली, 7, 9, 14, 16, ओके हो गया। और दोस्तों लॉक और आई लॉक तो दोनों सेम टू सेम होता है, ये बात तो आपको मालूम है ना, तो हमको एक चीज याद रखनी है, जो काम हम लॉक के अंदर कर सकते हैं वही सेम टू सेम काम हम आई लॉक में भी कर सकते हैं। आपको मालूम है लॉक के अंदर जो हमने कस्टमाइज इंडेक्स दिए हुए होते हैं, कॉलम्स दिए हुए होते हैं, हम वो यूज करते हैं। आई लॉक के अंदर जो डिफॉल्ट इंडेक्स या कॉलम्स के नंबर्स होते हैं 0, 1, 2 करके हम वो देते हैं, ओके हो गया। और इसके जो बाकी की फंक्शनैलिटी है वो सेम टू सेम है। चले अब आई लॉक से मैं आपको और काम करके दिखाता हूँ, वही सेम जिस तरह हम इंडेक्सिंग करते थे पाइथन में वही चीज है। देखिये पहला तो इसके अंदर भी आपको पता है कौन होगा, पहला होगा इंडेक्स का, दूसरा होगा कॉलम्स का, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ कोलन लगा दूं जिस तरह मैंने ये लगा दिया है, इसका क्या मतलब होगा कि सारे इंडेक्सेस को लेके आ जाओ, ये सेम आपको पता है पाइथन की इंडेक्सिंग वाला है। और कॉमा लगा के मैंने यहाँ लिख दिया 1:, मतलब 1 से शुरू करो, 0 को छोड़ दो, जो कॉलम 0 पर है उसको छोड़ दो, 0 पे कौन सा है, 0 पे ये वाला है, ठीक हो गया, इसको छोड़ दें आप। उसके बाद जो आपका मेरे भाई रिमेनिंग है ना उसको आप लेके आ जाए 1 से ऑनवर्ड्स, ओके। चले आइए अब मैं करके दिखाता हूँ डिस्प्ले, ये देखिए आ गया, इससे जो 0 पे बी था बी को छोड़ दिया, इससे सी डी वाई जेड से तक उठा लिया, और पहला वाला मैंने सिर्फ कॉलन लगाया था, तो ये देखें इसने इंडेक्सेस सारे लिए, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यही सेम वाला ऊपर वाला करके मैं आपको आई लॉक से भी दिखा देता हूँ। देखें ये तो इंडेक्स नंबर, देखिए मैंने ये बी और सी प्रिंट करवाया ना, बी तो इंडेक्स नंबर 1 पर है, ये देखें मैंने यहाँ 1 लिखा और सी 2 पर है, मैं तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, कॉमा लगा के अब मैं कोलन्स देता हूँ, बी सी ये 0 और 1 पर है, तो मैंने 0 1 दे दिया, मैंने प्रिंट करवाया, यू कैन सी बोथ आर एग्जैक्टली सेम कॉपी, जीरोक्स कॉपी, सेम टू सेम, ओके। तो ये सब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था दोस्तों, बहुत आसान चीज है, बिल्कुल आप इसको लाइट लीजिए, बस की एक ही की है कि आप उसको खुद प्रैक्टिस करें 2-4 दफा, तो ये चीजें ऐसी हिफ्ज होंगी कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए अब आइए हम नन वैल्यूज को फिल करके देखते हैं डेटा फ्रेम के अंदर किस तरह होगा। मैं यहाँ लिखता भी हूँ हाउ टू फिल नन वैल्यूज क्वेश्चन मार्क, तो मैंने एक वेरिएबल लिया df4, इसके अंदर डेटा फ्रेम 3 के अंदर ये कितनी सारी नन वैल्यूज हैं ये लिखा। अब मैं यहाँ पे एक एड फंक्शन कॉल करूंगा, ये एक एड फंक्शन है, इसके अंदर हमें 2 आर्गूमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्गूमेंट में आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल वगैरह दे सकते हैं लेकिन वो नन वैल्यूज हैं, तो मैंने यहाँ 0 दे दिया, ठीक है। तो दूसरा मैंने यहाँ पे फिल अंडरस्कोर वैल्यू 0 कर दिया। फिल वैल्यू क्या करता है दोस्त, फिल वैल्यू ये करता है जहां भी कोई वैल्यू नहीं होती जैसे कि नल वैल्यूज, तो वो वहां पे आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू को सेव कर देगा। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया तो वो उसको 0 से रिप्लेस कर देगा, और ये भी 0 ही है तो इन दो को, जहां वैल्यूज ही नहीं है वो इन दो को एड कर देगा, ठीक है। आइए मैं आपको डिस्प्ले df4, यू कैन सी दोस्तों जहां जहां नन था वो सब चेंज हो गया है, ये रहा ऊपर, ठीक है, ये देखें ए बी पे भी नन कर दिया था, ये सारी नन वैल्यू को 0-0 कर दिया। तो दोस्तों इसको आप 0 को चेंज करके चीजें मुख्तलिफ करके देखें फिल वैल्यू की, वो इस तरीके से कर देगा, तो कितना आसान हो गया दोस्तों। अब आप अज्यूम करें सिर्फ बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स हैं, लाखों के ही क्यों ना हो वैल्यूज जिसके अंदर है, उसके अंदर बहुत सारी जगहों पर वैल्यूज ही नहीं है, तो आप कहीं अगर प्रॉपर वैल्यू डालना चाह रहे हैं उसका भी मैंने बता दिया, अगर नल वैल्यूज है और आप उसको 0 अज्यूम करवाना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने कर दिया। 0 क्यों अज्यूम करवाते हैं, क्योंकि कहीं अगर कुछ नल वैल्यूज पड़ी हुई और उसकी जगह आप कोई वैल्यू डालना चाह रहे हैं 0, 1, 5, 10 जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो एक सेकंड के अंदर आप बड़े से बड़े डेटा सेट को इस तरीके से इस पांडास के मेथड से लोड करके अपने एल्गोरिथम्स के अंदर फीट कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी, इसको याद रखना है इन सारी छोटी छोटी चीजों को। अब आइए हम एक सीरीज बनाते हैं डेटा फ्रेम से, जिस तरीके से मालूम है मैंने एक सीरीज वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। df4 के अंदर आई लॉग 0, 0 पे ए है, पहले इंडेक्स होता है ना,
तो उसने पूरा इंडेक्स उठा लिया, और कॉलम नहीं दिया तो इट मींस कॉलम सारे ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक हो गया, डिस्प्ले किया सबसे पहले मैंने DF4 को, उसके बाद मैंने बोला भाई सीरीज भी डिस्प्ले करके दिखाओ, सीरीज की वैल्यूज कौन सी है डिस्प्ले करके दिखाओ, ये मैं आपको एक रिविजन करवा रहा हूँ, सीरीज डॉट इंडेक्स करके दिखाओ, और साथ ही साथ DF4 जो डाटा फ्रेम है उसको माइनस कर दो सीरीज को। ये हम क्यों करवाते हैं लास्ट वाला DF4 माइनस सीरीज, अगर हमारे अपने डेटा सेट में कोई एक जगह पे वैल्यू सारी जीरो करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसके आप एक जगह को लॉक के फंक्शन से सीरीज उठवाइए और उसी सीरीज को डेटा फ्रेम के से माइनस कर दें, तो वो सीरीज तो पर्टिकुलर होगी ना, वो जब उससे माइनस होगी वो सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स सी। तो आइए अब मैं इसको डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये तो आ गया डेटा फ्रेम 4, ये बी सीरीज आ गई सारी, जो ये रही सब 0 0 0 2 0 0 है, और एरे इसने ये वैल्यूज उठाई हैं 0 2 0 0 0, ये सारी चीजें। ठीक हो गया, उसके बाद ये इसने इंडेक्स शो कर दिया जैसे था, और जो मैंने DF माइनस सीरीज किया था ये देखिए सारी चीजें जीरो हो गई हैं, वरना सी के अंदर 2 था, ये सब इसने जीरो कर दिया है। जो मैंने आपको चीज बताई थी वो देखिए यहाँ हो रही है। तो ये बहुत ही आसानी से आपका जो भी इंडेक्स है, जिस भी आपको आईलॉग को कॉल करें उस पर आप डेटा फ्रेम या डेटा सेट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको इस तरह कर दें, तो पूरी रॉ वगैरह जो भी जैसी भी आपने जितना भी चंक उठाया है उस सारी चंक को जीरो कर देगा। तो ये एक तरीका होता है बड़ा स्मार्टली, तो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑन दिस टू। चले हम आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम करेंगे कोई चीज को ड्रॉप करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक कमेंट लिख देता हूँ कि यहाँ डिलीटिंग रॉस और कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम, भाई ये कैसे होगा। डिस्प्ले दोबारा से करवा लिया ताकि आपको यहाँ नजर आ जाए डेटा फ्रेम, और तो मैंने यहाँ F1 लिया एक वेरिएबल, ठीक है DF4, जो ये DF4 वेरिएबल है ना, ये जो आ रहा है आपको नजर, इसके अंदर क्या करना है कि ड्रॉप कर दो। ड्रॉप फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम जो भी इंडेक्स या कॉलम डालेंगे वो उस पूरे कॉलम या इंडेक्स को डिलीट कर देगा। ठीक हो गया, और एक्सिस 0 या मैंने सी इंडेक्स लिखा, आप यहाँ कोई कॉलम भी लिख सकते हैं, अगर मैं इंडेक्स लिखूंगा तो उसके आगे एक्सेस 0 लिख दूंगा, और डेट्स हाउ वी डिलीट इंडेक्सेस और रोज। ओके, तो अब मैंने यहाँ F1 को डिस्प्ले करवाया, तो यू कैन सी F1 को डिस्प्ले करवाया, तो आप ये देख सकते हैं, तो उसने सी इंडेक्स को पूरा डिलीट कर दिया, उड़ा दिया यहाँ से। तो यही ब्यूटी होती है यार इसकी, यहाँ ABD आ रहा है, सी चला गया है F1 को जब मैंने डिस्प्ले करवाया, तो इसने ये देखे पूरा इंडेक्स उड़ा दिया। एक्सेस 0 मीन्स इंडेक्स होगा, अगर मैं यहाँ एक्सेस 1 कर दूंगा तो ये कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक्सेस 0 इज फॉर द रॉस। F2 लिया मैंने, F2 पे ड्रॉप लिखा मैंने, तो ये देखें D है, मैं इस D को ले रहा हूँ एक्सेस 1। अब मैं एक्सेस 1 दूंगा कॉलम के लिए, 0 होता है रॉस के लिए या इंडेक्सेस के लिए, कॉलम्स के लिए हमें 1 लेना होता है, दैट्स हाउ वी डिलीट कॉलम्स। ठीक हो गया, आइए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ F2 को। ये देखें दोस्तों, इसने जो हमारा D था, D को उसने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक हो गया, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट फाउंडर्स के टॉपिक में, अब हम कुछ मजीद फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, काइंडली लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस टाइमली, और नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में बहुत यूजफुल लिंक्स है तो जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो, अपना आप सब लोग बेपनाह ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।